हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल सहायता पर। तो दोस्तों, आज है 10 सितंबर 2022 और जैसा कि मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था कि आज के डेट में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त की राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो इसको लेकर दोस्तों आज जो सुबह सुबह जो है लाभार्थियों के अकाउंट में जो पैसे हैं वो भी ट्रांजेक्शन किए जाने शुरू कर दिए गए हैं। यहाँ पर एक लाभार्थी है जिनके अकाउंट में पैसे जो है वो रिसीव हो चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इनका जो एफटीओ है वो जनरेट की गई है कल, और देख सकते हैं दोस्तों यहां पर जो ऑर्डर शीट जनरेट की गई है, ऑर्डर शीट डेट देख सकते हैं दोस्तों 7/9/2022, और जो एफटीओ बनी थी वो है 8/9/2022, यानी कि जिस दिन ऑर्डर शीट को जनरेट की गई उसके एक दिन बाद जो है एफटीओ को जनरेट किया गया। और आज 10/9/2022 को जो लाभार्थी है उनके अकाउंट में जो पेमेंट है वो भी रिसीव हो चुकी है। तो दोस्तों जो पेमेंट है वो शुरू हो चुका है, सभी लाभार्थियों को पेमेंट किए जाने थे उसी के आधार पर जो पेमेंट करने की प्रक्रिया है उसे शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऐसे जितने लाभार्थी जिनके 7 सितंबर से लेकर 9 सितंबर के बीच जो है एफटीओ को जनरेट की गई थी, इन सभी लाभार्थियों को आज के डेट में जो है पेमेंट किया जा रहा है। इस तरीके से दोस्तों आपको चेक करना था कि आपके जो बेनिफिशियरी प्रोफाइल है उसमें क्या एफटीओ को जनरेट की गई है या नहीं, उससे संबंधित दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि किस तरीके से आपको चेक करना है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कितने लाभार्थियों को पेमेंट होगी। तो दोस्तों 1,40,000 लाभार्थी को पेमेंट होगी और बाकी 60,000 लाभार्थियों को भी जल्द जो है पेमेंट कर दी जाएगी। यहां पर दोस्तों एक ही लाभार्थी नहीं, कितने लाभार्थी को पेमेंट हो रहे हैं मैं आप लोगों को यहां पर जो लाभार्थियों की सूची है वो भी दिखा देता हूं। एक एफटीओ के अंदर जो है यहां पर असम में जो है कितने ज्यादा पेमेंट हो रहे हैं मैं आपको दिखा दूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस एफटीओ के अंतर्गत कितने लाभार्थियों को असम के अंदर जो है पेमेंट किए जा रहे हैं। एक ही एफटीओ में दोस्तों देख सकते हैं सभी लाभार्थियों के नाम, बैंक का नाम यहां पर दोस्तों आपको दिखाई देगा, ब्रांच कोड दिखाई देगा और जो अमाउंट है वो भी यहां पर आपको दिखाई देगी। इंस्टॉलमेंट नंबर एक, सभी को पहली किस्त दी जा रही है इसीलिए इंस्टॉलमेंट नंबर भी आपको यहां पर दिखाई देगी। सभी लाभार्थियों के नाम, उसके बाद यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं विलेज नेम और यहां पर जो है पंचायत नेम भी यहां पर आपको शो कर रहा है। तो दोस्तों इस एफटीओ के अंतर्गत दोस्तों टोटल जो है 57 लाभार्थियों को जो है पेमेंट किए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एफटीओ बनाए गए हैं और जिसके तहत जो है 1,40,000 लाभार्थियों को पेमेंट की जा रही है। तो दोस्तों आज जो है पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 10 सितंबर 2022 को पेमेंट हो रही है। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार के सरकारी योजना से संबंधित और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।